The question given is to integrate. अगर हम साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ x प्लस 4 कॉमन ले लें तो साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस 2 कॉमन ले लें तो साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 5x होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 3 साइन ऑफ 4x प्लस 3 साइन ऑफ 6x dx. अब पहले इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. पहले हम इसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हमें गिवन है साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 5x, ये आ जाएगा. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 एंड कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b इट इज़ इक्वल टू 2 कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2. अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इधर यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन ऑफ 7x प्लस x 8x, 8x बाई 2 दैट इज़ 4x इंटू कॉस ऑफ 6x बाई 3 दैट इज़ कॉस ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 6x इंटू कॉस ऑफ x, ये आ जाएगा. दैट इज़ हमारे पास आएगा 2 साइन 4x कॉस ऑफ 3x प्लस 8 साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 4 तो 4 साइन ऑफ 6x कॉस x, ठीक है. अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2 साइन ऑफ 4x तो हमें मिलेगा कॉस ऑफ 3x प्लस यहाँ से अगर हमने 2 लिया है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस 4 कॉस ऑफ x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 2 टर्म्स ले ली, यहाँ पे 4 टर्म्स ले ली तो 2 साइन ऑफ 4x कॉस x बचेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स थे ऐसे, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 4x इंटू 2 कॉस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 4 कॉस x इंटू 2 साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस x. अगर हम 2 कॉस x को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x, ये कॉस 2x नहीं बल्कि कॉस ऑफ x है, प्लस साइन ऑफ 4x, ये आ जाएगा हमारे पास. अब हम वापस यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ x इंटू 2 साइन 4x कॉस x, इसका मतलब ये हो जाएगा सॉरी हमने कॉस ऑफ x को कॉमन लिया था तो कॉस ऑफ 2x होगा तो 4x प्लस 2x दैट इज 6x तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x के इक्वल हमारा फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म 2 कॉमन ले लेता तो 2 साइन 5x कॉस x तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x दैट इज 2 कॉस x इंटू 3 साइन ऑफ 6x प्लस 3 साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x. इसको हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 कॉस x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3 साइन ऑफ 4x प्लस 3 साइन ऑफ 6x होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 3 साइन ऑफ 4x इन प्लस 3 साइन ऑफ 6x dx. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन कॉस x dx दैट इज 2 साइन x प्लस c, वैसे इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. सो दिस इज आवर आंसर. ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर.